आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज को आपने एमएस एक्सेल के अंदर क्रिएट करना है और हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से लाइन चार्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं आपके पास एक्सेल का यूज करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको चार टास्क दिए हैं जो कि हमने कम्प्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहला टास्क है कि क्रिएट करनी है आपने एक ब्लैंक वर्कशीट, जिसके लिए क्या करोगे एक्सेल को ओपन करोगे, फाइल में जाओगे, आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर इस तरीके से ब्लैंक वर्कबुक आपको दिखेगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास जो है वो आपकी वर्कबुक ओपन अप होकर आ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टास्क लिख के रखे तो वैसे ही आपको टास्क लिखे हुए नजर आ रहे हैं, वरना आपने सिंपली एक अदर ब्लैंक वर्कशीट को क्रिएट करना है। देन कहता है दूसरे टास्क में मर्ज द सेल इन द फर्स्ट रो एंड राइट ग्रो ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन मोहम्मद आसिफ चैनल। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पर आपकी रॉस बनी है उसमें से आपने स्टार्ट की दो रॉस को मर्ज करना है। आप यहाँ पे रॉ ए एंड रॉ बी को मर्ज करोगे। मैं एक्सरसाइज यहाँ से बी वाले रॉ को छोड़ के सी एंड डी से आपको पढ़कर दिखाऊंगी। तो यानी कि जो मैं टास्क सी एंड डी में परफॉर्म करूंगी वो आपने ए एंड बी के अंदर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो होम में आपके पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। देन आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट था ग्रोथ ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन मोहम्मद आसिफ चैनल, ठीक है, आपने क्या करना है इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप चाहें तो आप जो है वो इसमें इसको कुछ इस तरीके से जो है वो टाइप आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, चलो टाइप कर देते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर इसको जो है वो टाइप कर देती हूँ, ग्रोथ ऑफ आपने इस तरीके से लिखना है सब्सक्राइबर्स ऑन मिस्टर आसिफ, आगे अपना लिखना है चैनल, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको कंटेंट कर लिया। अब आप यहाँ से जो है वो इसको कंपाइल्ड आउट कर दो तो ये कंपाइल्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ओके ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको जरा ओपन अप करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास आ गया है, आप देखो सी एन डी कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको अगर आप फॉन्ट वगैरह देना चाहो तो फॉन्ट भी दे सकते हो, उसके लिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ इसका साइज 12 कर देते हैं और साथ ही साथ टाइम रोमन में इसको शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट एन एस का बोल्ड भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से जो है हमने इसको कम्प्लीट कर दिया। मेरे ख्याल है यहाँ से इसका जी वी हमें इंक्रीज कर देना चाहिए। तो जो दूसरा टास्क ये भी कंप्लीट हो गया। देन कहते हैं क्रिएट टू कॉलम्स विद नेम मंथ एंड सब्सक्राइबर, अपने दो कॉलम बनाने हैं। हम ये वाला कॉलम यहाँ से एम्प्टी छोड़ेंगे, रॉ एम्प्टी छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है मंथ, तो मैं इसके लिए मंथ लिख दूंगी। एंड मुझे यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लिख दिया। इन दोनों को भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैं इनका साइज भी 12 करूंगी, टैलिक करूंगी एंड इनको भी टाइम न्यू रोमन में शिफ्ट कर दूंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा आपको एक्सरसाइज फाइल में दिया गया है ना, यहाँ पर वो आपने पुट करना है। जैसे मंथ लिखा है तो हमें यहाँ पे जनवरी से इसको कंप्लीट करना है। देन आपके पास यहाँ पे फरवरी लिखा है, फिर आपके पास जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर मार्च लिखा है, देन अप्रैल लिखा है। तो इस तरीके से आपने पूरा दिसंबर तक कम्प्लीट करना है। जो भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो भी आपने यहाँ पर क्या करना है, साथ साथ लिखते चले जाना है। तो सिंपल इस तरीके से आप जो है इसको पूरा का पूरा यहाँ पर टाइप आउट करोगे एंड टाइप आउट करने के बाद जो है आपका ये डेटा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जल्दी से हमारा जितना भी डेटा है उसको टाइप कर लेती हूँ। टाइप करने के बाद हमारा जो आखिरी स्टेप यहाँ पे रह जाएगा, हम उसको कंपाइल करेंगे। तो मैं जल्दी से सारे डेटा को यहाँ पे टाइप आउट कर लेती हूँ। मंथ्स मैंने सारे के सारे टाइप आउट कर लिए, आप देख सकते हो ऑलरेडी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जिसके सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर उनको टाइप आउट करना है, तो वो भी मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप आउट कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमने सारे का सारा टेक्स्ट लिख लिया। फिर से बता दूं, जो मैंने सी एंड डी कॉलम में लिखा है आपको ए एंड बी कॉलम के अंदर पूरा प्रोसेस कंपाइल करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आखिरी टास्क है कि हमने डेटा को सिलेक्ट करना है और चार्ट लाइन को क्रिएट करना है। तो इसके लिए इस पूरे डेटा को मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक लाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो डिफरेंट टाइप के चार्ट आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें से आप सबसे पहला देखो तो 2D 3D
बाहर का है। देन आप यहाँ पे देखो ट्रीज वगैरह के, यहाँ पे देखो लाइंस के चार्ट्स हैं, इसके साथ साथ हिस्टोरिकल्स वगैरह के चार्ट्स हैं, और यहाँ पे इस तरीके से पाए वगैरह के चार्ट्स भी हैं, साथ में इस तरीके से इस कार्टर चार्ट्स भी आपके साथ मौजूद है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ से मोरल कार्टर चार्ट पे क्लिक करती हूँ, आप यहाँ पे देखो जो चार्ट होंगे वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। इसमें देखो आपके पास यहाँ पे लाइन का ऑप्शन मौजूद है, आप इस तरीके से लाइन का ऑप्शन ले सकते हो, एंड इसमें जो भी आप चाहो वो यहाँ पर अपना क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस तरीके का यहाँ पर कंटेंट करती हूँ, इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ, तो आप देखो यहाँ पर जो मेरा चार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट होकर आ जाएगा मेरे डेटा से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डेटा के अकॉर्डिंगली चार्ट को क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद अपनी इस एक्सरसाइज फाइल को सबमिट करा देना है अपने LMS के ऊपर। फिर से बता दूं कि मैंने CND कॉलम्स और रॉस के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है आपने वो AND के रॉस एंड कॉलम्स के अंदर परफॉर्म आउट करना है। तो ये थी हमारी काफी अच्छी अच्छी डिजिटल लिटरेसी की हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बिल्कुल ऑल भी प्रेस कीजिए, कम्प्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।